नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल डिवाइन क्लासेस पे। मैं देवेंद्र सिंह राठौर। देखिए, अभी तक हमने आपके CET के 10+2 और ग्रेजुएशन लेवल के मैथ्स का पोर्शन हमने सोल्व करवाया। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके LDC, जो पेपर आपके RSM SSP ने 2018 में जो पेपर लिए थे उनका हम एक एक करके सोल्यूशन कराएंगे। तो आगे CET में भी आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, तो आशा है कि आप इसमें भी बहुत ही उत्साह से इन वीडियोस को देखोगे और आपको जो भी डाउट लग रहा है तो वो आपका क्लियर होगा और निश्चित ही आपके लिए ये लाभदायक साबित होगा। तो धन्यवाद, एक बार फिर आपका स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं आप अपने पहले क्वेश्चन से। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके, बोला गया है यदि PTN जो है एक या एक से ज्यादा है का बहुपद है, मतलब n मतलब है आपके पावर, मतलब घात है, तो बताना कि T-2 एक PT एक बहुपद है, तो बताना कि P2 की वैल्यू क्या होगी। अब यू समझो, जैसे मैं मान लेता हूं एक घात का बहुपद है, अब देखो एक घात ही बहुपद कैसे होता है, एक घात ही है बहुपद जिसमें घात एक होती है, तो ये हो गया मान लो आपके सीधा T-2 हो गया। फिर एक मैं ले लेता हूँ एग्जांपल आपके द्विघातीय, कौन सा ले लो, द्विघातीय बहुपद। अब देखो एक घातीय बहुपद में गुणनखंड केवल एक ही होता है, दो घातीय में कितने होते हैं, दो। जैसे मैंने एक तो ले लिया T-2 और एक मैंने दूसरा ले लिया T-X या कुछ भी ले लिया। अब देखो अगर मैं इसमें इसको आप नाम दे दो, यह है आपके PT, क्या है, और इसको भी नाम दे दो, आप क्या दे नाम दे दो आप PT। अगर मैं यहां पर दोनों में एक T की वैल्यू 2 रखूं, क्या रखूं 2, जैसे मैं इसको सोल्व कराऊं P2 = 2, 2-2 = 0। इसी तरह मैं इसको सोल्व कराऊं यहां पर भी P2 अगर मैं करूं तो 2-2 और यहां पर 2-x, तो देखो 2-2 क्या हो गया 0 और ये 2-x। अब देखो ये भी टर्म पूरी क्या बन जाएगी आपके 0 और ये भी टर्म क्या बन रही है 0। इसका मतलब कोई भी बहुलक हो, चाहे दो घात का हो, तीन घात का हो, कितना का भी हो, अगर वहां इस तरह से अपन वैल्यू रखेंगे T-2 में T की वैल्यू अगर 2 रख देंगे तो पूरा जो है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके 0 हो जाएगी। तो आपके ऑप्शन नंबर 1 A मतलब 0 आपके राइट होगा। अब ये देखिए बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 की। क्या बोल गया, एक कोना कैनवास के टुकड़े का क्षेत्रफल 1105 मीटर स्क्वायर है, कैनवास से शंकु के आकार का तंबू बनाना है जिसके आधार का क्षेत्रफल इतना है, यह मानते हैं कि सिलाई और कटाई में लगभग 5 मीटर स्क्वायर कैनवास नष्ट हुआ है, तो बताना कि तंबू की ऊंचाई क्या होगी। सबसे पहले तो जो आपके तंबू होता है वो कैसा होता है, शंकु आकार का होता है, तो आपको इसको कैसे लोगे, जैसे ये आपके एक शंकु हो गया, देखो उसमें ये तो होता है एच, ये होता आर, ये होता एल, समझ में आई बात। अब देखो शंकु बनाना है तो इसके बाहर से कवर करेंगे तो बाहर का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आपके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या होता है आपके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, क्या होता है। अब देखो आपके पास न तो आर है न एल है, लेकिन आपको बोला कि आधार का क्षेत्रफल है 616। अब देखो एक अगर शंकु है उसका जो नीता नीचे का जो बेस होता है, बेस होता है वृत्ताकार, क्या होता है वृत्ताकार, तो आप बोल सकते हो आधार का क्षेत्रफल होता है आपके पास पाई आर स्क्वायर, क्या होता है आपके पाई आर स्क्वायर, ये कितना दे रखा है आपके 616, तो 616 बराबर पाई का मान कितना होता है 22/7 इंटू आर स्क्वायर। अब देखो इन दोनों को काट ले अपन, 2 से काटेंगे 11 बार, 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे 0 बार और 2 से काटेंगे अपने 8 बार, फिर 11 से काट लो, 11 दूना 22, फिर 11 8 88, तो यहां से आपके पता चला आर स्क्वायर बराबर 28
इंटू सात, तो आर चाहिए आपको, तो क्या करोगे, इसका रूट निकालना पड़ेगा। 28 के टुकड़े क्या होते हैं, 4 इंटू सात कितना होता है, और ये सात अलग से। अब देखो 2 7 का तो क्या हो गया 1 7, और इस 4 का क्या हो गया 2, तो आप आपके यहाँ से पता चल गया कि आर कितनी आ गई आपके पास, 14 आ गई, क्या आ गई 14। अब देखो कैनवास पे जो टोटल कपड़ा लगा है वो है 1105, कितना है 1105, और लेकिन कटिंग में क्या लग रहा है 5 आपके नष्ट हो गया, तो एक्चुअल में कितना लगा 1100 ही लगा, कितना लगा एक्चुअल में 1100, तो वक्र पर क्षेत्रफल ये दे रखा आपके पास 1100, कितना लगा 1100। अब देखो इसको अपन सोल्व करते हैं, पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर कितना आया 14, एल कितना आया ज्ञात करना है, और ये दे रखा आपके पास 1100। अब देखो इसको सोल्व करोगे, 22 से काटोगे, 22 से कटेगा 5 बार और 0 बार, तो एल की वैल्यू निकालेंगे अपन, पहले 7 से काट लो 14 को 2 बार, फिर 2 से काट लो 50 को कितनी बार आ जाएगा 25 बार, तो एल आ गया आपके पास 25, कितना आ गया। अब देखो आपके पास क्या क्या आया, आर बराबर आ गया आपके पास 14, एल कितना आ गया आपके पास 25। अब आपको चाहिए इसकी ऊंचाई, क्या पूछिए इसकी ऊंचाई, तो यहाँ देखो ये हमेशा 90 डिग्री होता है, क्या होता है हमेशा 90 डिग्री, यहाँ लग जाएगा आपके पास पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, क्या होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। अब देखो कर्ण दे रखा है, आधार दे रखा है, लंब स्क्वायर पूछा है, तो यहाँ से आप एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इस ये स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर, 25 स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर, 25 का स्क्वायर होता है 625, 14 का होता है 196, एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपके पास, आप घटाएंगे 200 तो कितना बचेगा 327, कितना हो जाएगा 327। अब 327 का देखो रूट कितना होता है, 18 कितना होता है 324 होता है, तो इसका मतलब आप लोगों के यहाँ से अपन ने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी है, देखो कैलकुलेशन एकदम करेक्ट है अपने पास, और ये जो दे रखा है पाई आर एल, तो अपन ने क्या करा 22 से काटा 50 बार, 7 से काटा 14 2 बार, 2 से 25 बार, तो 25 का स्क्वायर 625, 14 का होता है 196, तो एच की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 324, किसका होता है लमसम, लमसम 18 से थोड़ा लमसम हो जाएगा, क्या हो जाएगा 327। देखो 324 होता 18 का, ये 18 से थोड़ा ज़्यादा है, तो 18 से थोड़ा ज़्यादा होगा कितना हो जाएगा आपके पास, ये 18.20 है ना, आप लगभग लगभग कितना हो जाएगा ये 18 आ रहा मेरे, कितना आ रहा है, तो 18 आपके लगभग कौन सा आ रहा है आपके पास, सी आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 की, देखो एक शहर की जन्म दर और मृत्यु दर प्रत्येक 10% है, 2 साल के बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी, वर्तमान जनसंख्या 3000 है। अब देखो हर साल 10% बढ़ रही है, 1 10 घट रही है, फिर 10 बढ़ रही है 10 घट रही है, तो अपने को यह प्रोसेस 4 बार लगाना, कैसे लगाना देखो, शुरुआत दे रखी है आपको 3000 से, कितने दे रखी है, पहले साल देखो दोनों 10 10% है, तो जन्म कितनी हो रही है 110, लेकिन 10 वापस कम हो गए, भाई मृत्यु दर भी 10 है तो कितना हो गया 90/100, ये बात हुई पहले साल के लिए, भाई 10 जन्म में 10 खत्म हो गए, अब अगले साल के लिए वापस ले लो 110/100 इंटू 90/100। अब देखो अपने पास 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 0, तो अपन भी 4 0 4 0 काट देते हैं, यहाँ देखो इन 2 0, इन 2 0 से 3 0 कट दिए, लेकिन 1 0 का आप पॉइंट लगा लो, क्या लगा लो पॉइंट, अब ऊपर क्या बच गया आपके पास 3 × 11 × 11 में यहाँ लगा दिया पॉइंट 9 × 11 × 9, यहाँ देखो 3 तो ऐसे कैसे 11 9 99 में वापस पॉइंट लगा दो, फिर 11 9 99, अब देखो 99 को 99 से गुणा करते तो कितना आता है 9801, अब इसको 3 से गुणा कर लो 3 × 3 0 3 8 24 27 28, वापस पॉइंट लगाओ तो कितना आ गया 2840.3, तो 2840.3 लगभग लगभग किस में आ रहा है यहाँ पर, सॉरी
29 होगा आपके, क्योंकि एक अपन ने जोड़ा नहीं, क्योंकि 9 27 तो 29 होते हैं ना, तो यहाँ आ जाए 2940.3, तो ये आंसर आपके फिट बैठेगा। तो ये भी देखो इस टाइप का क्वेश्चन है, पहली बार ऐसा क्वेश्चन देखा, बाकी सिंपल पूछता आपसे, इतना लंबा नहीं पूछता ना। अब देखो आपको बोला कि एक त्रिज्याखंड है जिसके त्रिज्या का माप समान त्रिज्याखंड के अर्धवृत्त के चाप की लंबाई के बराबर है। अब देखो त्रिज्याखंड का परिमाप, अब त्रिज्याखंड का परिमाप कैसे निकालते हैं, त्रिज्याखंड का परिमाप बराबर अर्धवृत्त के चाप की लंबाई, अर्धवृत्त के चाप की लंबाई। अब देखो आपको बताना त्रिज्याखंड का परिमाप क्या होता है आपके पास, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, ये तो होता है त्रिज्याखंड का। लेकिन परिमाप में क्या होता है मैं बताया तो, त्रिज्याखंड कैसा होता है, जैसे मान लो कोई भी एक वृत्त है ना, ऐसे अपन ने कोई त्रिज्याखंड खींच दिया। अब इसका देखो ये जो होता है ये तो हो गया त्रिज्याखंड की लंबाई, उसमें अगर मैं ये दोनों जोड़ दूं, क्या कर दूं मैं, ये दोनों जोड़ दूं, ये भी आर ये भी आर, तो पूरा वो त्रिज्याखंड का माप हो गया आपके पास इतना सा। तो प्लस में मैंने क्या करना पड़ेगा, 2r करना पड़ेगा। अब देखो अर्धवृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप होता है 2πr, तो 2πr का आधा हो जाएगा πr, कितना हो जाएगा πr। आपको पूछा है इसमें कि त्रिज्याखंड में कोण बताना, क्या बताना कोण, तो कैसे याद करेंगे, अब देखो सब में r दिख रहा, r r और 1r, यहाँ थोड़ा सा 2πr कर लो ना, ये r एक ही होना चाहिए यहाँ पर। अब इसको सोल्व कर लेते अपन, 2 से काटोगे 180 बार, तो फिर देखो पाई का मान रख लो 22/7 इंटू 180 थीटा बराबर, यहाँ क्या बचा पाई, तो पाई हो गया 22/7 माइनस 2/1 है ना। आपको चाहिए थीटा, तो देखो इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया 7, ये तो 22 है ही, 7 × 14 22 − 14 है ना। अब देखो 100 × 7 तो ऊपर हो गया और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास 22। अब देखो 7 से 7 कट गया, थीटा बराबर कितना आ गया 22 में 14 गया तो 8, 180/22। फिर 2 से काट लो 11 बार, 2 से काट लो 4 बार, तो यहाँ से आया आपके पास 18 × 72 720/11। अब देखो ये तो आया आपके डिग्री में, किस में आया सॉरी रेडियन में, इसको बोलते हैं अपन किस में बोलते हैं अपन रेडियन, आपको निकालना डिग्री में। तो अपन एक एक को सोल्व करेंगे, देखो 11 का भाग दो 11 × 66 बचे 6 × 60 में 11 × 55 तो 65 डिग्री। अब 65 डिग्री को देखो सभी में ऑप्शन है तो ये तो बात बनेगी नहीं। अब कितने बच गए अपने पास, 60 में से 55 गए तो 5 बचे ना, तो उस 5 को मैं ले लेता हूँ इंटू 60/11, तो ये देखो 300 गए 60 × 300 में 11 का भाग दो 11 × 22 बचे कितने 8, 8 में 80 हो गए मतलब 70 में कितनी बार जाएगा, सॉरी 80 में जाएगा 7 बार, तो ये हो जाएगा मिनट, तो 65 °27". अब बचे कितने आपके पास, 7 में 77 बचे 3 बच गया वापस 30, कितने बच गए 30, 30 को वापस किससे मल्टीप्लाई करो 60 से / 11 से, तो देखो ये कितने हो गए 1800 कितने हो गए, तो ये तो हो गए 65 °27 11 को भाग दो 11 × 11 फिर बचे कितने 7 × 70 में 11 × 66 ये क्या है 65 °27 16 सेकेंड, तो देखो 65 °27 16 सेकेंड कैसे आएंगे, इस तरीके से आएंगे। तो क्या करना है, पहले तो 11 से भाग करा तो 65 आ गए, फिर उसको मिनट में चेंज करना तो इंटू 60/11 करो, फिर वापस पॉइंट में आप बच रहा तो फिर उसको 60 से इंटू करके फिर 11 से करो, तो ये डिग्री ये मिनट ये सेकंड, इस टाइप से आपको निकालना होता है। देखो आगे एक दीवार घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा यदि उसका क्रम मूल्य 380 है और 5% छूट देने के बाद भी 25% लाभ हो। अब देखो आप यूँ सोचो, तीन मूल्य होते हैं, कितने मूल्य होते हैं आपके पास, एक तो होता है क्रम मूल्य, एक होता है आपके पास
विक्रय मूल्य और एक होता है आपके पास अंकित मूल्य। अब देखो क्रम मूल्य है आपके पास 380 कितना है। अब देखो आपको लाभ हो रहा है रियल में कितना परसेंट, 25% कितना हो रहा है 25%। तो 380 के 25% कैसे निकालते हैं, 380 इंटू 25 बटा 100, 25 से जाएगा 4 बार, 4 नाम 36 बचे 2, मतलब 95 इसमें जोड़ दो, कितने जोड़ दो 495 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 475। मतलब ये 475 क्या है इसका विक्रय मूल्य, क्या है इसका विक्रय मूल्य। अब देखो आपको बोला कि अंकित मूल्य पे छूट कितने दूँ, अंकित मूल्य पे छूट कितने दूँ कि 25% लाभ हो जाए, मतलब 475 रुपये है 5% छूट देने पर। इसका मतलब अगर अंकित मूल्य अगर आपके पास 100 हो तो ये कितना होना चाहिए 95% होना चाहिए। अब आप आराम से बता सकते हो कि 95% की वैल्यू कितनी है 475, एक की वैल्यू क्या हो जाएगी बटा 95, कितने की निकालनी है 100, तो इंटू 100। अब आप इसको काटोगे 5 से काट लो 19 बार, 5 से काट लो 20 बार, फिर 19 का भाग दो, 19 दूना 38, फिर बचे कितने 9, 19 पंजो 95। अब आप गुना करोगे 25 दूना 50 और 0 500, इसका मतलब वो वस्तु कितने रुपए की थी 500 रुपए की थी, कितने रुपए की थी। अब देखो इस क्वेश्चन को ऑप्शन से कैसे करें, अगर आप सोचो 380 रुपए की कोई वस्तु है, अगर आप 400 में बेचोगे क्या 25% फायदा होगा, हो जाएगा क्या आपको, नहीं होगा ना, तो ये ऑप्शन तो क्या हो जाएगा हट जाएगा। फिर अगर आप 450 की ले लेते हो तो 380 का 25% क्या होता है 95, तो ये भी नहीं बैठेगा। फिर बचा क्या 500, 500 पे तो अपने बैठ ही रहा कि 500 रुपये लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब 5% छूट दोगे तो 500 का 10% था 50, 500 का 5% कितना होता है 25, 25 घटाओगे तो कितने आएंगे 475, और 475 इसका कितना है 25% लाभ हो रहा है, कितना हो रहा है लाभ हो रहा है, इसका मतलब यह है आपके पास 125%, कितना परसेंट हो रहा है 125। तो अब आप इसका 125 का भाग दोगे इंटू 100 करोगे तो आपको पता चल जाएगा, है ना, 25 से काटोगे 5 बार, 25 से काटोगे 4 बार, इसका भाग जाएगा 95, 95 इंटू 4 380, इसका मतलब केवल इसी से बात बैठ गई। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप इतना बड़ा डंगा नहीं करके ऑप्शन से भी कर सकते हो, थोड़ा सा समझ आपको कैलकुलेशन रखनी है। देखो एक किसी सामान्य चतुर्भुज के क्रमवार 3 शीट्स दे रखे हैं, आपको बोला गया है इसका चौथा शीट्स क्या होगा। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सामान्य चतुर्भुज आकृति कैसी होती है। देखो बताता हूं मैं आपको, इस टाइप से होती है। अब देखो ये क्रमवार है, तो पहला है आपके पास 0.1, दूसरा ले लो 2.3, तीसरा ले लो 4.3, और ये आपको बताना ना। अब देखो इनमें एक ही चीज ध्यान रखनी है, इन दोनों का मध्य बिंदु एक ही होता है, क्या होता है, मतलब इस ये जो इनको नाम दे दो ए बी सी डी, मतलब इधर तो ऐसी लाइन बन रही है जिसको विकर्ण बोलते हैं, इधर बन रहा है बी डी, इन दोनों का मध्य बिंदु क्या होता है एक ही होता है। मध्य बिंदु कैसे निकालते, दोनों को जोड़ो 2 का भाग लगा दो। अब देखो 4 और 0 4 ही होता है, और इधर 1 और 3 क्या होता है 4, तो दोनों में 2 का भाग लगाओगे तो ये पॉइंट आ गया आपके पास 2.2, कितना आ गया। अब देखो इसको मान लो, आप कुछ भी मान लो x.y, क्या मान लो। अब देखो मध्य बिंदु कैसे होता है, इन दोनों को जोड़ो 2 का भाग लगाओ तो क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए, तो कैसे करेंगे अपन, एक्स प्लस 2 बटा 2 बराबर क्या आना चाहिए 2। इसी तरह 3 प्लस वाई बटा 2 बराबर क्या आना चाहिए 2। अब देखो यहाँ से 2 तो चलेगा, तो x प्लस 2 बराबर क्या हो गया 4, तो x बराबर 2 को मैं घटाऊँ तो कितना बन गया, x बराबर आना चाहिए 2, क्या आना चाहिए 2। फिर यहाँ से देखो 3 प्लस y बराबर कितना आ गया 2 दूना 4, तो y बराबर क्या आ गया 1, तो इसके आंसर होना चाहिए 2.1, तो आपके ऑप्शन नंबर 1 आपसे सही बैठ जाएगा ना। अब देखो आपको बोला गया कि 50 डिग्री को रेडियन में चेंज करो, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि रेडियन और डिग्री में संबंध क्या होता है, वो हम बता देता हूँ। 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, क्या होता है
आपको बोला है कि 50 डिग्री, तो 1 डिग्री कितना हो जाएगा, पाई बटा 180। 50 डिग्री पूछा है तो इंटू क्या कर लो, 50, 1 0 से 1 0, तो आप बोल दोगे 5/18 पाई। कितना हो जाएगा आंसर, 5/18 पाई। तो ये आपके आंसर हो जाएगा। अब देखो ये आपके ग्राफ दे रखा है, इसे बोला है कि कितने वर्षों में न्यूनतम निर्यात से अधिकतम निर्यात में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। अब देखो न्यूनतम कितना आपके पास, 200, अधिकतम कितना है 800, कितना चेंज हुआ है, 800 - 200 किस पे हुआ, न्यूनतम कितना है 200, और परसेंटेज पूछा तो इनटू क्या करो, 100, 2 0 से 2 0, 800 में से 200 के कितने बचे, 600/2 बराबर कितना हो गया 300%। ये भी देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आप आराम से कर सकते हो उसको ना। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या बोला है, दो गोलों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बोला है, तो बताओ इनके आयतनों का क्या होगा। देखो गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 4π r²। अब दो गोले हैं तो आप भी दो ले लो, 4π r² अब देखो इसको तो 1 ले लो, इसको क्या ले लो 2, इन दोनों में अनुपात दिया 4/9, क्या दिया है 4/9, 4 से 4 गए, 5 से 5 गए। तो अब यहां से देखो आपको पहले भुजाओं में अनुपात चाहिए, किसमें चाहिए अनुपात, तो r1² / 4 है, इधर r2² / 9 है, तो आप ये कह सकते हो r1/r2 जो होगा इधर का स्क्वायर हटेगा, इधर क्या लग जाएगा रूट, तो दिए तो होगा 2/3, क्या लग जाएगा। अब देखो इनके आयतनों में अनुपात चाहिए, इनका आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 π r1³, दूसरे वाले का हो जाएगा 4/3 π r2³ है ना, 4/3 से 4/3 π से पाई, r1 कितना 2, तो 2 × 2 × 2³ चाहिए ना, फिर 3 का 3 × 3 × 3, 2 का क्यूब क्या होता 8, 3 का क्यूब क्या होता 27, 8 × 27 ये आपके आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में बस एक ही शर्त है कि आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब देखो आपको ये समीकरण दिए, पूछा है कि इसके गुणनखंड कौन से होंगे, तो गुणनखंड के लिए आपको द्विघात समीकरण के गुणनखंड सोल्व करने आने चाहिए। कैसे होते हैं देखो बताता हूँ, 4x² + 4x - 3। देखो लाइट थोड़ी सी तेज है इसलिए मैं थोड़ा देखने में समस्या हो रही है। देखो 4 × 3 कितने हो जाते हैं 12, कितने हो जाते हैं 12, ऐसी दो संख्या लो जो गुणा करो तो 12 आ जाए, जोड़ू घटाऊं तो क्या आते हैं 4 आते हैं, इसका मतलब एक तो होना चाहिए 6 और एक क्या होना चाहिए 2, 6 × 2 = 12, और 6 में से अगर मैं 2 घटा लूँ, क्या कर लूँ मैं 2 घटा लूँ तो क्या आ जाएंगे 4 आ जाएंगे। अब इनको ऐसा कैसा लिख दो बाकी वालों को, अब देखो इन दोनों में और इन दोनों में अपन कुछ कॉमन ले रहे, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 2 आ रहा है और x आ रहा है, तो अंदर क्या बचा है 2 का भाग 4 में जाएगा 2 बार, x की घात 2 है, 1 अपने बाहर ले ली तो x बचा, फिर 2 का भाग 6 में गया 3 बार। अब देखो यहाँ दोनों प्लस के हैं, यहाँ दोनों किसके माइनस में, तो आप एक तो माइनस कॉमन ले लो, क्या ले लो ताकि दोनों प्लस के हो जाएंगे, दूसरे कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा तो कॉमन क्या ले लो 1, क्या ले लो, तो ये हो जाएंगे 2x + 3। अब देखो ये चीज़ दोनों में कॉमन आ रही है, तो 2x + 3, एक तो ये हो जाएगा एक 2x - 1। अब देखो 2x + 3 और 2x - 1 ये किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है केवल, तो आपके ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपके, है ना। अब देखो माध्यिका बहुलक माध्य में जो संबंध के बारे में क्वेश्चन पूछा है, ये बोला है कि माध्य और माध्यिका दिया आपको और बहुलक पूछा है, इस पे सूत्र होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका - 2 माध्य, या मैं यूं कहूं मोड बराबर 3 मीडियन - 2 मीन, है ना। अब इसमें वैल्यू रख दो, आपको बहुलक चाहिए, माध्यिका को करना 3 से गुणा, माध्यिका कितना दिया 55, 2 × माध्य कितना दिया 52, कितना दिया इसको सोल्व कर लो, 55 × 3 कितने हो गए 165, 52 × 2 = 104, 165 में से 4 घटाएं कितना आ जाएगा 61, यह आएगा आपके पास बहुलक, क्या आएगा आपके पास
बहुलक, तो बहुलक आना चाहिए आपके पास 61, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अब देखो आपको बोला गया कि दिए गए आंकड़ों से माध्य विचलन निकालना है। क्या निकालना है? माध्यिका से माध्य विचलन निकालना है ना। अब देखो माध्यिका से, तो पहले तो माध्यिका निकालो। माध्यिका कैसे निकालते हैं? सबसे पहले देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी दिख रही है आपकी? 30 है, तो आप ले लिया इसमें 30। दूसरी क्या मिल रही है आपको भाई? जो लेते जा रहे हैं उन पे टिक करते जाओ। दूसरी लग रही मेरे को आपके 34, तो आप क्या ले लो? 34 ले लो। क्या ले लो आप? तीसरी क्या लग रही है आपको? 34 हो गया, 40 से गया कहीं, 40 ले लो। फिर देखो 42 ले लो, फिर ले लो आप 44 ले लो। फिर क्या हो गई आपके पास? 1, 2, 3, 4, 5 44 ले लिया अपन ने। 44 के बाद में आपके पास हो जाएगा 50 ले लो और 51 ले लो। तो ये ले लिया 50, ये ले लिया 51, 50, 51 हो गया। उसके बाद क्या बचे? 66। एक गड़बड़ करी थी अपने, 38 भूल गए थे अपन, है ना। 38 भी ले लिया अपन ने। कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब दो बची है, एक तो 60 बचा और एक 66 बचा। तो एक ले लो 60, एक ले लो 66। अब देखो माध्यिक कैसे निकालते हैं? बीचों बीच का पद, 1, 2, 3, 4, 5, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, इन दोनों के बीच में, मतलब 42 + 44/2। तो 42 और 44 के बीच में क्या आता है? 45 आता है। क्या आता है? अब देखो ये तो आया आपके पास माध्यिका। क्या आता है? ये तो आपके माध्यिका। अब देखो अभी जो एनसीईआरटी बुक आ रही है उसमें इसको माध्यिक बोलते हैं, पहले जो राजस्थान की बुक आती थी उसमें इसको माध्यिका बोलते थे, और इंग्लिश में इसको मीडियन बोलते हैं। तो आप थोड़ा सा समझ लेना ना क्या है। अब देखो विचलन निकालना, तो तीनों में से घटा लो, ये चीज घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? मतलब आपको माध्यिका से तो घटाओ 43 माइनस, यहां पर भी अपन क्या कर लेते हैं 43 माइनस 43 माइनस 43 माइनस 43 माइनस। अब देखो यहां तो बचेंगे 13, यहां बचेंगे कितने? बचेंगे 9, यहां कितने बचेंगे? 5, यहां कितने बचेंगे? 3, यहां कितने बचेंगे? 1, यहां कितने बचेंगे? -1, यहां कितने बचेंगे? 7, यहां कितने बचेंगे? 8, यहां कितने बचेंगे? ये बचेंगे 17, और ये कितने बचेंगे? 23। अब देखो अपने को इनको ऐड करना है, ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे? ये 23 और 17 हो जाएंगे आपके पास, ये तो हो गए 40, 45 और 46, ये तो हो गए माइनस के 46। इधर देखो 3 × 4, 4 × 5, 9 × 9, 18 × 18, 18 × 13, 43, इन दोनों को ऐड करेंगे। तो अब देखो इसमें कभी भी ध्यान रखना है, जो विचलन लेते हैं तो हमेशा यहाँ मैंने उल्टा कर दिया, इसमें से उल्टा घटाना है, तो ये सारे प्लस के हो जाएंगे ना, इनको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 87। कितना आ जाएगा? 87। अब देखो ये टोटल नंबर्स कितने? 10 है, तो 10 से आप डिवाइड कर दो तो आ जाएगा आपके पास 8.7। कितना आ जाएगा आपके पास? तो ये आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा 8.7। ये भी देखो एक अच्छा क्वेश्चन है, जबकि 10th की बुक में इतना डीप क्वेश्चन नहीं आ रखे आपके। आगे देखो, एक 1.5 मीटर लंबा प्रेक्षक 22 मीटर ऊंचे टॉवर से 20.5 मीटर दूर है, प्रेक्षक की आंखों से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण बताओ। अब देखो ये टावर है, क्या है? अब टावर से कितनी दूर? 22, कितनी दूर है? दूर है 20.5। कितना है? 20.5। अब देखो यहाँ कोई आदमी खड़ा है जिसकी हाइट है 1.5, कितनी है? समझ लो इसका लेवल, आई लेवल ये होगा। अब यहाँ से ये टावर का इसको देख रहा है टॉप को, है ना, तो ये जो कोण बनेगा इसके बारे में अपने को बताना। अब देखो
ये पूरी हाइट है 22, कितना मीटर है। अब देखो आदमी कभी भी देखेगा तो यहाँ से नहीं देखेगा, पैरों से थोड़ी देखेगा, आंखों से देखेगा। तो इस 22 में से 1.5 घटा लो तो ये जो हाइट बचेगी ये कितनी बचेगी, 20.5, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितनी बचेगी आप बन गई आपके पास 1.5। तो अब देखो ये 20.5 होती, ये भी कितनी होगी 20.5 मीटर। और ये आप याद भी रख लो, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है तो दोनों कोण भी क्या होंगे बराबर, ये 90 है तो ये दोनों कितने कितने हो जाएंगे, ये 45 और ये भी कितना हो जाएगा 45। तो आपसे उन्नयन कोण पूछा, उन्नयन कोण मतलब ऊपर की ओर देखते हुए, तो ये हो जाएगा आपके पास 45। ये भी देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है अगर आपको लैंग्वेज ढंग से समझ में आएगी तो। आगे देखो एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है 1014 घन की भुजा बतानी है। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है PSA जिसको इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट में, 6 भुजा स्क्वायर है ना। तो ये दिया 1014, 6 × भुजा स्क्वायर, 6 से भाग दें, 6 एकम 6 बचे 4, 41 6 छंग 36 बचे 5, 54 6 नाम 54। तो ये आ गया आपके पास भुजा स्क्वायर, क्या आ गया आपके पास, आपको तो भुजा चाहिए तो 169 का क्या निकाल दो, रूट निकाल दो, कितना होता है 13, कितना होता है 13 आपके आंसर हो जाएगी। आप अब देखो कई लोग जोश जोश में ये भी कर जाते हैं है ना, तो ये ध्यान रखना, आपको ये नहीं पूछा कि भुजा स्क्वायर है, आपको पूछा भुजा बताओ, वो 13 हो जाएगा ना। दो समान घन जिनके प्रत्येक का आयतन 64 है के छोरों को जोड़कर एक घनाभ बनाया, तो घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बताओ। अब देखो आयतन दिया है, क्या दिया आपको, आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब, तो 64 बराबर है आपके पास भुजा क्यूब, तो यहां से आप कह सकते हो 64 का घनमूल कितना होता है 4 होता है, क्या होता है, ये होगी आपके पास भुजा, क्या हो जाएगी आपके पास भुजा। अब देखो इनके छोरों को जोड़कर, लेकिन आपके पास है कि दो ही है ये, तो इसका मतलब जब एक घन के पास एक और घन लाते हैं तो लंबाई हो जाएगी दुगुनी, तो 4 × 4 कितने हो जाएंगे 8, चौड़ाई 4 ही रहेगी, ऊंचाई भी कितनी रहेगी 4, तो बी भी 4 है और एच भी कितनी है 4। अब आपको कुल पृष्ठ क्षेत्रफल TSA शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, 2 कोष्टक LB प्लस BH प्लस HL है ना, 2 कोष्टक LB 8 × 4 कितने होते हैं 32, BH 4 × 4 16, फिर H × L 4 × 8 32। अब 2 कोष्टक, अब देखो 32 और 32 64, 64 और 6 70 10 80, 80 × 2 कितने हो गए 160। क्या है ये सेमी है, तो आप भी लगा दो यहाँ पर सेमी, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर किस में आ रहा है बी ऑप्शन। तो ये भी देखो अच्छा क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, पूछा कि ए की वैल्यू क्या होगी। अब देखो एक काम हो सकता है इसमें, या तो ऑप्शन से करें या अपन इनको गुणा भाग करके करें। तो देखो मेरे पास एक तरीका है जो आप भी लगा सकते हो, देखो क्या बोला है आपके पास 4 + a 5 - a बटा 2 + a अपॉन 7 - a बराबर 1। तो देखो इन दोनों को यहाँ लिया हो, तो देखो पहले अपन गुणा कर ले, 4 × 5 = 20, 4 × a - 4a, a को 5 से गुणा करेंगे तो 5a, a को a से गुणा किया तो a स्क्वायर, लेकिन प्लस माइनस माइनस। इसी तरह इनको देख लो, 2 × 7 = 14, 2 को a से गुणा करेंगे तो माइनस का 2a, a को 7 से गुणा करेंगे प्लस का 7a, और माइनस का a को a से गुणा करेंगे a स्क्वायर, लेकिन ये प्लस माइनस माइनस। अब देखो कुछ कट रहा तो काट दो a स्क्वायर से a स्क्वायर। आगे देखो यहाँ क्या बचा, 5 में 4 गए तो a बचा, इधर देखो तो 14 7 में 2 गए तो 5 है। अब देखो इस 14 को तो इधर भेज दो और इस a को इधर भेज दो, 20 में 14 गए तो कितने बचे 6, 5 में से ये गए तो कितने बचे 4a, तो
ए बराबर क्या जाएगा, 3 और 2, 3/2 कितना आ जाएगा। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा ए की वैल्यू 3/2 किसमें आ रही है आपके पास, सी के पास किसमें आ रही है, तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। आगे देखो, बेलन के आधार की त्रिज्या दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है, सिंपल सा क्वेश्चन। अगर फॉर्मूला याद है तो पाई की वैल्यू रख लो 22/7, आर कितनी है 7 × 7, इंटू एच कितनी है 10। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, 7 से 7 कट गया, 22 × 7 = 154, और जीरो लगा दो, सेंटीमीटर क्यूब 1540। तो 1540 किस में आ रहा है, केवल एक ही में आ रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ना। अब देखो, आपको बोला है कि एक वृत्त का व्यास उसकी परिधि से 105 सेमी कम है, तो वृत्त की त्रिज्या बताओ। देखो, वृत्त का व्यास और परिधि, परिधि क्या होता है, परिधि माइनस व्यास बराबर दिया आपको 105। कितना दिया आपको, परिधि का सूत्र होता है 2 × 22/7 × r, है ना, व्यास होता है त्रिज्या का डबल, तो क्या बोलोगे इसको 2r, क्या बोलोगे बराबर 105। तो अब देखो, एलसीएम ले लो, ये तो क्या हो जाएगा 44r, इन दोनों का एलसीएम ले लिया अपने 7, क्या ले लिया, इसके नीचे 1 है, इसको भी 7 से गुणा करो तो कितना हो गया 14r बराबर 105। 22 में 14 गए कितने बचे 30, ये हो जाएगा 30r बराबर 105 × 7। आई बस समझ में। अब देखो, पहले इसको 3 से काट लो 10 बार, 3 × 9 = 15, फिर 5 से काट लो 2 बार 7 बार, तो r बराबर क्या हो जाएगा 7 × 7 = 49, और 2 नीचे है ना, 49/2, 49 का आधा कितना आता है 24.5, है ना, तो 24.5 किसमें आ रहा है इसमें, तो ये आपका क्या हो जाएगा वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, है ना। अब देखो, आपको बोला कि a और b का मान दिया है, तो बताओ p का मान क्या होगा, तो a और b का मान रख देंगे, p का मान आपके पास आ जाएगा 5 a + p = 17 है, भी a का मान कितना 1, तो 5 × 1 + p = 17 × 1, तो p बराबर 17 × 17 में 5 घटा लो, तो p का मान हो जाएगा आपके पास 12 है, कितना मान हो जाएगा 12 है आपका, कौन सा ऑप्शन है डी। तो ये भी देखो आसान सा क्वेश्चन है। आगे देखो, एक 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी नहर में पानी की गति यह है, यदि 8 सेमी भरा हुआ पानी चाहिए तो 30 मिनट में कितना क्षेत्रफल की सिंचाई होगी। देखो, ये क्वेश्चन ऐसा है कि जिसके बारे में अगर समझ में नहीं आया तो इसको आप टेकल ही नहीं कर पाओगे, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे अपन, मैं बताया था। देखो, जो नहर होती है वो होती है घनाभ जैसी, कैसे होती है, क्योंकि इसमें भाई गहराई भी होती है और चौड़ाई भी होती है, तो इसमें गहराई और चौड़ाई जैसी, अब लंबाई दी है 1 घंटे में चलती है 10 किलोमीटर, आपको बताना है आधे घंटे में, कितने घंटे में भाई, 1 घंटे में कितनी चलती है 10 किमी, कितनी चलती है, तो 30 मिनट में कितनी चलेगी 5 किलोमीटर, कितनी होगी। अब समझ लो, एक बड़ा सारा घनाभ है, क्या है, जिसकी लंबाई तो है 5 किलोमीटर, चौड़ाई कितनी है 1.5 मीटर और ऊंचाई कितनी है 6 मीटर, तो बताना है ये जो खेत को सिंचाई करेगी उसका एरिया क्या होगा। अब देखो, सोल कैसे करते हैं कि पानी का आयतन बराबर खेत का क्षेत्रफल इंटू बराबर, ना, अब पानी का आयतन कैसे ही निकालेंगे, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लंबाई कितनी है आपके पास 5 किलोमीटर, कितनी है इसको आप एल मान लो ना, 5 किलोमीटर, अब देखो ये मीटर में है, तो आप इसको क्या मान लो 5000, है ना,
चौड़ाई कितनी है 6 मीटर, तो 6 मान लो, ऊंचाई मतलब गहराई कितनी है डेढ़, तो इसको मान लो 15/2 है ना, सॉरी 15/10, क्या मानो इसको 15/10 मान। ये जो पानी का आयतन वो किस पे बराबर होगा, खेत का क्षेत्रफल तो मुझे ज्ञात करना है, ये खेत हो गया इनटू बराबर कितना चाहिए 8 सेमी, कितना चाहिए 8 सेमी, तो देखो 8 तो है ही, 1 मीटर में कितने सेमी होते हैं 100, कितने होते हैं। अब देखो मुझे इनको सोल्व करके यहाँ से मेरे पास क्षेत्रफल आएगा, क्या आएगा मेरे पास क्षेत्रफल। अब देखो 1 0 से 1 0 छः, अब देखो मेरे को इनको गुणा करना है, 15 × 6 90, 90 × 5 450 और 20 इंटू, अब ये कितने हैं 20 और लगा दो 8, तो अब देखो क्या आ जाएगा 45 × 1 2 3 4 5/8 क्या है ये मीटर स्क्वायर, क्या आ गया मीटर स्क्वायर। अब मुझे 8 का भाग देना पड़ेगा, 8 × 5 = 40, बचे कितने 5, 50 में कितनी बार होगा 8 × 6 = 48, बचे कितने 2 = 20, 20 में कितनी बार जाएगा 8 × 2 = 16, फिर बचे 4 = 40 में कितनी बार जाएगा 5, और यहाँ तक तो आ गया अपन, फिर 20 और लग रहे, ये है मीटर स्क्वायर, क्या है। अब देखो जब भी हेक्टेयर में चेंज करना हो, किसमें चेंज करना हो हेक्टेयर, तो ये ध्यान रखो अगर कोई खेत है 100 × 100 का, कितने का है 100 × 100 का है, तो वो होता है 1 हेक्टेयर है ना, तो घात कितनी होनी चाहिए 4, तो अगर मैं इसको 1 2 3 4 से मैं भाग देता हूँ तो 20 से 20 पॉइंट लग जाएगा, क्या आ जाएगा 56.25 हेक्टेयर, क्या आ जाएगा 56.25 हेक्टेयर। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको सोचने का ना, आराम से हो जाएगा आपसे। अब देखो आपके बोला 2197 का घनमूल है, ये देखो क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, कि अगर आपको 12-13 तक तो होता ही है, 12 का होता है 1700 कुछ, तो ये क्या 13 ही होगा, क्योंकि 20 का तो हो जाएगा 8000, इसके लमसम तो होने से रहे, तो सीधा सीधा पता पड़ रहा है भाई 13 का हो रहा है। इसकी देखो कई ट्रिकियाँ होती है, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो, नहीं तो आपके पास थोड़ा सा कोई तरीका होना चाहिए। 3 रे कितना आ गया 4, 4 × 4 × 4 कितना हो गया 464, 64 10 का मतलब 1, देखो इसका योग 1 आ रहा है क्या, 9 × 1 = 10, 17 × 2 = 19, 19 का मतलब 9 × 10 = 1, बाकी से देख लो किसी से नहीं होगा, चेक कर लो 7 × 1 = 8 है ना, यहाँ हो रहा 3 × 2 = 5 या 9 × 1 = 10 ऐसे, तो ये चीज़ थोड़ी सी सोचने की है, आप आराम से कर सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या बोला है, शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दे दिया, इसका आयतन दे दिया, तो इसका व्यास बताओ। अब देखो शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है, देखो ये सूत्र तो आपको याद होने ही चाहिए, 1/3 πr² h, अब इसको तो मान लो एक्स, इसको मान लो 3x, क्या मान लो, तभी अपन इसके में मान निकाल पाएंगे। आयतन दे रखा 1078 है ना, 1/3 π का मान 22/7, r कितनी 1 मतलब x, तो x into ऊंचाई कितनी है 3x। अब देखो जो कटे उसको काट लो, 3 से 3 गया, अब देखो 11 से काट लो, 11 × 2 = 22, 11 × 9 = 99, 11 × 8 = 88, फिर 2 का भाग दोगे कितना आ गया 49, तो यहाँ है 49 × 7 = x, कितना हो गया x³। अब देखो 49 के टुकड़े क्या होते हैं 7 × 7, और ये 7 है, तो यहाँ से आप कह सकते हो x का मान कितना होगा 7। अब x क्या आया था आपके पास त्रिज्या, क्या आया था त्रिज्या, यह आया था त्रिज्या ना, आपसे पूछा कि व्यास बताओ, व्यास होता है हमेशा त्रिज्या का दुगना, क्या होता है दुगना, तो 7 का डबल कितना हो जाएगा 14, ये भी आराम से अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन है कि कई बार अपन जल्दबाजी में इसको टिक कर देते हैं जबकि ये गलत है ना। अब देखो
अर्धगोला बेलन और शंकु के आधार बराबर है, ऊंचाई बराबर है, तो इनके आयतनों का अनुपात बताओ। तो पहले इनके सूत्र याद होने ही चाहिए आपको। पहले बात बोली अर्धगोला, क्या बोला आपको? अर्ध गोला। फिर लेना आपको बेलन, क्या लेना आपको? बेलन। फिर लेना आपको शंकु। अब देखो अर्धगोले का आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो अर्धगोले का हो जाएगा 2/3, क्या हो जाएगा? पाई आर क्यूब। अब देखो बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है? अब देखो इसने कहा कि आधार और ऊंचाई दोनों बराबर है, मतलब ये त्रिज्या और ऊंचाई दोनों क्या है? बराबर है। तो इसका मतलब ये ऊंचाई h बराबर r बोला है इसने, क्या बोला है इसने? r। तो इसके लिए लगा भी क्या ले लो? r ले लो। शंकु में होता है 1/3, क्या होता है? पाई r स्क्वायर h, वो h की जगह क्या ले लो आप? r ले लो। अब देखो इसमें से कुछ कॉमन है तो काट लो, पाई पाई पाई, r क्यूब यहाँ पर भी r क्यूब, यहाँ पर भी r क्यूब, ये भी काट लो, तो यहाँ बचा 2/3, 1/1, 1/3। देखो तीनों का एलसीएम लेंगे तो तीनों में क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो यहाँ तो पहले से ही है, इसे 1 को 3 बना ले, किससे गुणा करें? 3 से, यहाँ पर भी 1 है, तो ये हो जाएगा 2:3:1। तो ये भी देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, 2:3:1, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपके पास। अब देखो आपको बोला कि 3025 का वर्गमूल निकालो, ये भी देखो 25 का तो आपको पता है 5 होता है, 30 के टुकड़े क्या होते हैं? 6×5 कितना होता है? 6×5। तो इसमें से आपको छोटा वाला लेना है, कौन सा वाला लेना है? ये भी 5, ये भी 5, तो 55 हो जाएगा। 55 कौन सा ऑप्शन हो रखा है आपके? ये तो आराम से आप बता सकते हो। क्यों? देखो ये 65 तो होगा नहीं, क्योंकि 60 का होता है 3600, 45 होता है 50 के अंदर, मतलब ये भी नहीं होगा। 50 का क्या होता है? 2500 के अंदर, ये इससे भी कम है, ये भी नहीं होगा। तो ऐसे आप अनुमान से भी लगा सकते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन आपके बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक धातु का गोला दिया है जिसकी त्रिज्या दे दी, उसको आदि त्रिज्या की गोलाकार गेंद में बनाते, तो कितनी गोलाकार गेंद बना सकते हैं? अब देखो एक धातु का गोला दे दिया जिससे पिघलाकर आधी त्रिज्या वाली बनानी, तो ये सोचो गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है। इसी से ऐसी बनानी है, कितनी बनानी है वो ले लो आप एन, क्या ले लो? अब वो भी भाई वो गोला था, वो छोटा गोला होगा, तो 4/3 पाई। अब देखो इसकी जो आर है ना वो आधी है, क्या है? आधी है। तो इसका मतलब 2/r का क्यूब करना आप, आई बस समझ में? अब देखो 4/3 से 4/3, पाई से पाई, तो यहाँ तो है आर क्यूब बराबर एन, यहाँ पर भी आर क्यूब 2 का क्यूब कितना होता है? 8। आर क्यूब से आर क्यूब कटा, ये 8 यहाँ चल जाएगा, 8 बराबर एन कितना जाएगा? तो आप कह सकते हो कि कितनी गेंदें बना सकते हो अपन? ऐसी 8 बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं? 8। तो अब देखो इस प्रकार हमने आपके एलडीसी में जो पेपर आ रहे हैं पिछली बार 2018 में आए थे, उनका हमने अभी 25 क्वेश्चन सोल्व कराए, अगली क्लास में बचे हुए 25 क्वेश्चन सोल्व कराएंगे। इस प्रकार से एलडीसी की आपके 4 शिफ्टों में 200 क्वेश्चन सोल्व हुए हैं, जो हम लगभग 8 लेक्चर में पूरा कराएंगे। तो आप इनको एक एक क्वेश्चन को देखो ढंग से, ताकि आपको जो एलडीसी का एग्ज़ाम जो अब जो नेक्स्ट टाइम आ रहा है उसमें आपको बहुत ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इनके फॉर्म फिल हो चुके हैं, तो एक इनकी जो टाइमिंग है उसी पे एग्जाम हो जाएगा। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सोल्यूशन आप यहाँ से देखोगे, जैसे हमने सीटी के पूरे करवाए, उसी तरह हम आपके एलडीसी पूरे करा रहे हैं, तो आप इनको देखो ढंग से, ताकि आपको इससे बहुत ही फायदा मिलेगा और आपको राजस्थान की जो भी वैकेंसी आएगी उनमें भी बहुत फायदा मिलेगा। धन्यवाद है, आशा करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर पसंद आएगा। जय हिंद, जय भारत।